मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल गांव रांची में आयोजित खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए देश के अंदर बेहतर कोचिंग दिलाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। देश में पहली बार हॉकी इंडिया एवं राज्य सरकार द्वारा झारखंड विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के बीच किया जा रहा है। इसमें एशिया के 6 देशों की टीमें भाग लेगी। झारखंड की बेटियां भी इस टूर्नामेंट में खेलेगी। यह पहला मौका है जब इतने बड़े प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। सरकार का प्रयास है कि खेल प्रतिभाओं को आगे निखारा जाए, बढ़ाया जाए। बिल्कुल, आज आप देखिए बच्चों का उत्साह किस तरीके से। आज जिस कदम को हम लोगों ने बढ़ाया है, ये कदम तो बरसों पहले उठा था। यही चिंता का विषय है कि शायद झारखंड को समझने वाले लोग होते तो आज खिलाड़ियों की इतनी खराब स्थिति नहीं होती। आज देखिए बच्चों के कितने चेहरे पर मुस्कान है। सामान्य खिलाड़ी तो है ही, बल्कि आज हमारे जो शारीरिक रूप से जो बहुत अच्छे नहीं बच्चे हैं, उनका भी जो खेल का रास्ता है, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उन बच्चों के चेहरे में भी देखे। आज उन बच्चों के लिए भी हम लोगों ने मार्ग प्रशस्त किया है कि आज डिसेबल बच्चे भी खेल के क्षेत्र से आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चे खेल रहे हैं सर, उनके पहली लिए बार देश में यहाँ वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप होने जा रहा है। जी, फुटबॉल सर 6 देशों के साथ 10 दिनों तक चलेगा, लेकिन जो भी घटना घटी, घटना खैर घटना है, जो लोग इससे प्रभावित हुए उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। और घटनाएं ना हो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर विचार हो, विचार करना चाहिए।